CNRC के विरोध में बेनिया बाग मैदान जो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, आज जमानत से 6 लोग रिहा हुए। वाराणसी के बेनिया बाग मैदान में नागरिकता संशोधन कानून से और NRC के विरोध में धरना देने और पुलिस पर पथराव के मामले में गिरफ्तार 6 लोगों को अदालत ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। ये सभी 5 दिन बाद रिहा हो रहे हैं। स्पेशल CJM सुरेंद्र यादव की अदालत ने आरोपियों को 25,000 से 25,000 के व्यक्तिगत बंधपत्र और समान राशि की 2-2 जमानत देने और जेल से छोड़ने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा है, सभी आरोपी इस बात की अंडरटेकिंग देंगे कि भविष्य में वे शांति व्यवस्था कायम रखेंगे। अदालत में आरोपियों की ओर से अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने पक्ष रखा। अधिवक्ता वरुण प्रताप सिंह प्रिंस ने बताया कि 23 जनवरी को हम भारत के लोग बैनर तले सीए और NRC के विरोध में कुछ महिलाएं और पुरुष बेनिया बाग मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से धरना दे रहे थे। इस दौरान पुलिस वहां पहुंच गई। जिले में धारा 144 लागू होने और धरने की अनुमति न लेने का हवाला देकर धरना दे रही महिलाओं को पुलिस उठाने लगी। पुलिस का आरोप है कि महिलाओं को उठाने के दौरान बेनिया बाग मैदान के बाहर मौजूद भीड़ में शामिल लोग दौड़ते हुए अंदर आए और पथराव करने लगे। पुलिस जब उन लोगों को खदेड़ने लगी तो धरना दे रही महिलाएं मैदान से निकल गईं। पुलिस ने मौके से अबू सुफियान, आमिर हुसैन, मोहम्मद सालेह सहित 6 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रकरण को लेकर चौक थाने में 32 नामजद और 500 से 600 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपियों की ओर से अदालत में दलील दी गई कि उन पर राजनीतिक दबाव और रंजिश के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने बचाव और अभियोजन पक्ष की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। वाराणसी ब्यूरो चीफ ब्रजेंद्र बी यादव की रिपोर्ट। खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.ggsnews24.com पर लॉगिन करें। आपका अपना यूज चैनल GGS यूज 24 सबसे पहले खास खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।